नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। मैं रितेश कुमार। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पोषण ट्रैकर ऐप में दो नई अपडेट आई है, उसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। तो वो दो नई अपडेट क्या है, जैसे कि आपके आंगनबाड़ी केंद्र में ANM आती हैं, आशा आती हैं और आपके आंगनबाड़ी केंद्र में सहायिका भी आती हैं, तो उन सभी का नाम आपको इस पोषण ट्रैकर ऐप में आप लोगों को ऐड करना है और साथ ही साथ उन लोगों का मोबाइल नंबर भी ऐड करना है। तो आप लोग कैसे पोषण ट्रैकर ऐप में इन सभी का नाम ऐड करेंगी, तो चलिए मैं आपको पोषण ट्रैकर ऐप में लेके चलता हूँ और वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स भर के दिखाता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक करें और साथ ही साथ जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पर वो लोग सब्सक्राइब करें। और मैं एक आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो और मेरे चैनल को 86% लोग सिर्फ देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं अपडेट लेकर आऊँ आप सब तक पहले तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारा प्रोसेस समझ लेते हैं। तो आप सभी लोग अपने नए अपडेट के बारे में जानने के लिए आप लोग अपना पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन करेंगे। जैसा कि मैंने पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन कर लिया है, आप लोग जैसे ही ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पे अपडेट पोषण ट्रैकर का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप लोग यहीं से आप लोग डायरेक्टली अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ से अपडेट करके दिखा दे रहा हूँ। तो जैसे ही मैं अपडेट करूँगा, यहाँ पे अपडेट चालू है तो अपडेट में थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे ही अपडेट हो जाएगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 98% कम्प्लीट हो चुका है। तो थोड़ा देर वेट करते हैं, देख सकते हैं इंस्टॉल हो रहा है, कर रहे थे आप लोगों को। ऐसा ही आप लोगों को मोबाइल नंबर और एमपिन डाल के लॉगिन हो जाना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों के मोबाइल में डायरेक्ट का ऑप्शन नहीं आता है अपडेट करने का, तो आप लोगों को यहां से प्ले स्टोर में जाना है। आप लोगों के मोबाइल में प्ले स्टोर होगा, प्ले स्टोर में जाने के बाद आप लोग इसको सिंपली ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पर सर्च बार में टाइप करेंगे पोषण ट्रैकर लिख के। जैसे ही सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पे जो ओपन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप लोगों को अपडेट लिख के आएगा, तो आप लोग यहाँ से भी आप लोग इसको अपडेट कर सकते हैं। तो मैंने डायरेक्टली वहीं से अपडेट कर लिया है, तो आप लोग चाहें तो यहाँ से आप लोग का ऑप्शन नहीं आता है तो यहाँ से आप लोग अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम अपने यहाँ पर मोबाइल नंबर और एमपिन डाल के लॉगिन हो जाते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। एक ऑप्शन दिखाई देता है कोने में, तो आप लोग को यहाँ से अपना भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भाषा में आपको समझने में आसानी हो। हिंदी में आपको समझने में आसानी हो तो हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को इंग्लिश में समझने में आसानी हो तो आप लोग इंग्लिश में इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ। तो आपको चेंज लैंग्वेज के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी का ऑप्शन है, इसको हिंदी पे क्लिक कर देंगे तो आप लोग को जितना भी ऑप्शन इंग्लिश में दिखाई देगा सारा चीज़ हिंदी में हो जाएगा। हिंदी में हो जाने के बाद आप लोग को क्या अपडेट है, चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो सबसे तो यहाँ पे जो नीचे आपको राइट साइड कोने में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर अधिक लिखा हुआ है, तो अधिक पर आप लोग को क्लिक करना है। या आप लोग इंग्लिश में आप लोग इसको देख रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन आएगा, मोर का ऑप्शन आएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। तो जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे एमपिन दोबारा निर्धारित करें। जैसे कि आप लोग को एमपिन चेंज करना होगा तो आप लोग को यहाँ से एमपिन चेंज कर सकते हैं, ये तो आप सबको अपडेट मालूम ही है। और यहाँ पर एक मुद्दा है, यानी कि आपको ये एक मुद्दा है, आप लोगों को इसमें अगर कोई भी पोषण ट्रैकर ऐप में परेशानी होती है तो आप लोग इसमें अपना मैसेज लिख के आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप के हेड ऑफिस में आप लोग इसका मैसेज भेज सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उधर से आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम होगा यहाँ पे आप लोगों को सोल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मेन अपडेट जो है यहाँ पर आंगनबाड़ी AWC यूज़र, तो इसी के बारे में आप लोग को ज़्यादा जानकारी मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। और उसके बाद यहाँ पे लॉग आउट, तो लॉग आउट के बारे में आप लोगों को पता है कि जैसे कि आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप में काम हो गया तो आप लोग यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे AWC के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। तो आप लोग को AWC वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर यूज़र टाइप ANM,
यूजर टाइप AWW यानी कि आंगनवाड़ी सेविका, उसके बाद यहाँ पे यूजर टाइप AWH यानी कि आंगनवाड़ी सहायिका, और ANM यानी कि तीन लोगों का यहाँ पे नाम आपको अपडेट करके ही मिलेगा। अगर आप लोगों को अपडेट नहीं होता है तो आप लोग खुद से भी इसको यहाँ पे नाम ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी एक आशा का नाम यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है, तो चलिए हम लोग एक आशा का नाम अपने पोषण ट्रैकर ऐप में ऐड करके दिखा दे रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐड यूजर, तो हम लोग इसमें ऐड यूजर पे क्लिक करेंगे। ऐड यूजर पे क्लिक करने के बाद देख सकते यहाँ पे नाम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और यूजर टाइप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम फटाफट से आशा का नाम यहाँ पे डाल लेते हैं। अगर आप लोगों को आशा या किसी का भी नाम नहीं जुड़ा है तो आप लोग यहाँ से आंगनवाड़ी ANM का भी नाम यहाँ से आप लोग जोड़ सकते हैं, सहायिका का भी नाम यहाँ से जोड़ सकते हैं। तो चलिए फिलहाल तो मेरे में दोनों लोगों का नाम जुड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ आशा का नाम जोड़ के आपको दिखाऊंगा। क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आपके आशा का नाम है उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पे आशा का नाम लिख दिया है, उसके बाद उस आशा का मोबाइल नंबर डाल देंगे। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे यूजर टाइप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इस पर क्लिक कर देना है यूजर टाइप पे। तो ये क्या है, आंगनवाड़ी वर्कर है, आंगनवाड़ी सहायिका है, ANM है, आशा है, तो यहाँ पे आशा पे हम लोग क्लिक कर देंगे क्योंकि ये आशा है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे फिर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया, तो रिकॉर्ड हम लोग का जुड़ गया आशा का। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है बिंदु का, जो यहाँ पे येलो ग्रीन येलो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि जो ग्रीन ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो एक्टिव है, यानी कि एक्टिव आपके केंद्र पे एक्टिव है, और जो येलो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो इनएक्टिव है। तो इनको एक्टिव करने के लिए यहाँ पे थ्री डॉट का एक ऑप्शन दिखाई देता है, देख सकते हैं यहाँ पे थ्री डॉट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप लोग को नाम जोड़ने के बाद एक और काम करना है, यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन पे जाना है। इस पे जाने के बाद यहाँ पे एक अपडेट यूजर का फिर से एक ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे स्थिति पे आप लोग को क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे स्थिति दिखाई दे रहा है, आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव और इनएक्टिव दो ऑप्शन आ जाएंगे, तो आप लोग को यहाँ पे एक्टिव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और फिर से सबमिट कर देना है। जैसे ही एक्टिव करके सबमिट करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे येलो कलर का था, अब यहाँ पे ग्रीन हो गया है। इसी प्रकार से जो भी आप लोगों को येलो कलर दिखाई दे रहा है तो आप लोग को यहाँ से जाके आप लोग उसको एक्टिव कर सकते हैं। और एक बात और आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो आप लोगों को यहाँ पे कोई ऑप्शन में आपको गड़बड़ी दिख रही है, यानी कि आपके नाम में कोई गड़बड़ी है, जैसे कि ये ANM है, इनके नाम में मान लीजिए सपोज दैट कि आप लोग इनके नाम या मोबाइल नंबर में कुछ गड़बड़ी है या कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से फिर से आपको थ्री डॉट पे जाना है। थ्री डॉट पे जाएंगे, अपडेट यूजर पे क्लिक करेंगे, तो आप लोग को जो भी आप लोगों को इसमें गड़बड़ी दिख रही है, यानी कि नाम में चेंज करना है या मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो आप लोग यहाँ से उसका मोबाइल नंबर चेंज करके आप लोग फिर से सबमिट करेंगे तो आप लोग का यहाँ पे मोबाइल नंबर और जो भी नाम चेंज करेंगे वो चेंज हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने मेरा पूरा वीडियो देख ही लिया है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ आप लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप से रिलेटेड कोई भी मन में सवाल या सुझाव है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को आप लोग अपने आंगनवाड़ी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि उन सभी लोगों को इस नई अपडेट के बारे में जानकारी मिल सके। तो आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।